में बहुत अहम इंजेक्शन है और इसकी जमकर कालाबाजारी भी हो रही है। हाल ही में आपने सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार बीनू वर्गीस के इन्फॉर्मेशन पर एक बहुत बड़ा रैकेट आपने पकड़ा है, क्या जानकारी देंगे इस बारे में? अभी भारत में सब जगह कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोरोना का ये दूसरा दौर चालू है। अभी ये जो कोरोना है उसके ऊपर इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत अच्छा असर हो रहा है करके सब लोग यूज कर रहे हैं और इसका फिलहाल मार्केट में बहुत शॉर्टेज आ रहा है। अभी हमने ऐसी जानकारी मिली थी कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का थाना में कालाबाजारी हो रहा है, तो हम सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीनू वर्गीस को मदद से हमने दो इसम पकड़े हैं, उनके पास से 21 इंजेक्शन बरामद किए हैं जो 5,000 से 10,000 पर इंजेक्शन ऐसा ब्लैक में बेच रहे थे। अभी आगे की तहकीकात चालू है, अभी ऑपरेशन पुलिसन ने गुना दाखिल किया है। अभी ये इंजेक्शन कहाँ से लाए और कितने इंजेक्शन है और क्या साटा है इसके आगे की तहकीकात चालू है। सर ऐसा कहा जा रहा है कि मनपा का जो स्वास्थ्य विभाग है ठाणे मनपा का, उसके द्वारा जो निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर चलाने दिए गए वहाँ के कुछ लोगों की इसमें शामिल होने की संभावना है और मनपा के भी कुछ मेडिकल अधिकारियों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है, इस पर क्या कह सकते हैं? अभी जो फिलहाल प्राथमिक हमारी इंक्वायरी हुई है तो ऐसा मालूम पड़ा है कि जो कोविड सेंटर है, जो मनपा के कोविड सेंटर है वहाँ से इन्होंने ये इंजेक्शन लाए है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नॉट फॉर सेल ऐसा लिखा है, तो ये जरूर कोई गवर्नमेंट के कोविड सेंटर से ये इंजेक्शन बाहर आई है। अभी ये 16 इंजेक्शन जो उन्होंने लाया है उसको हम लोग अभी कहाँ से लाए, कौन दिया, कौन टीएमसी का या कोविड सेंटर वाला कोई इसमें डॉक्टर शामिल है क्या, ये आगे की तहकीकात चालू है। थैंक यू।